4 मई से देश में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई। शराब खरीदने को लेकर देश ने भीड़ भी देखी और इस भीड़ को देखते हुए अलग अलग राज्य सरकारें अब होम डिलीवरी से लेकर टोकन सिस्टम तक को शुरू कर रही है। दिल्ली में भी टोकन सिस्टम को शुरू किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली के गोल मार्केट से आई हैं वो दिलचस्प है। दिल्ली के गोल मार्केट में शराब की दुकान के बाहर पानी की बोतलें कतार हैं। विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए, लोग पानी लेकर तैयार ही हैं। दरअसल चिलचिलाती गर्मी में शराब खरीदने पहुंचे इन लोगों का अपना ही तर्क है। तो सही भी है और एक तरह से गलत भी है। सही इसलिए है कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, और गलत ये है कि गरीब आदमी जो पीने वाला बेचारा वो पी नहीं पा रहा है। अब इसे क्या समझेंगे? गरीब आदमी की जेब पे फर्क पड़ेगा सर, और क्या जाएगा जी। घर में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। यह है कि आदमी थोड़ा इंजॉयमेंट कर लेता है। परेशान तो सभी हैं, ऐसा कौन नहीं है जो परेशान है। इन लोगों की बातों से तो यही लगता है कि कोरोना के टेंशन से मुक्ति पाने के लिए इन्हें शराब से अच्छा फिलहाल कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आप इसे ऐसे भी देखिए कि कैसे इस गर्मी में ये लोग पानी लेकर लाइनों में लग गए कि देर सवेर जब शराब मिल जाए बस पानी मिलानी है और पी लेनी है।